हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता, दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आपका टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि आज मैं आपसे क्या बातें करने जा रही हूँ। मगर बच्चों से कुछ काम कराना है तो उन्हें अच्छा सा नाश्ता तो कराना ही पड़ेगा। तो मैंने बनाई भिंडी की सब्जी और साथ में रोटी। मेरे बच्चों को भिंडी की सब्जी ये वाली बहुत पसंद आती है। तो पहले मैंने भिंडी को बड़े बड़े पीसेस में काट लिया और उसको तेल डाल के हल्का सा तल लिया। भिंडी को थोड़ा ही तलेंगे, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करेंगे। फिर उसे तेल से बाहर निकालेंगे, फिर उसी तेल में हल्का सा मेथी का तड़का डालेंगे और एक मसाले का पेस्ट बना लेंगे, जिसमें मैंने सरसों, लहसुन, मिर्चा और थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च लिया है, जिसे अच्छे से महीन पीस लिए हैं। फिर उस तेल में डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक मसाला फ्राई होगा। फिर उसमें हम थोड़ा एक टमाटर काट के डाल देंगे महीन महीन। फिर जब वो भी सब अच्छे से भून जाए, तेल छोड़ दे, तो पानी मिला के फिर भिंडी डाल देंगे। हल्की सी लटपटी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, साथ में ये रोटी और गर्मा गर्म रोटी के साथ ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे अपने बच्चों को आप मोबाइल छुड़ा सकते हैं। तो ये आपने देखा कितनी पुरानी सी एक छोटी डोली रखी थी। तो मेरे बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है, तो मैं उनको साथ उनके साथ वो काम शेयर करना चाहती हूँ जो उन्हें ज़्यादा पसंद हो। तो बच्चों को बिजी रखने के लिए मैंने उस डोली को सोचा क्यों ना इसे अच्छा भी बना दिया जाए, मेरा भी काम हो जाएगा और इन सबों का मन भी लगा रहेगा। मेरी छोटी बेटी का एग्जाम खत्म हो गया था, वो दिन भर मोबाइल चलाती थी सिर्फ बैठ के। जब उसे डांटो तो ये कहती थी क्या करे, कुछ काम तो है नहीं, बुक तो मिली नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे बिजी किया जाए मोबाइल छुड़ाने का, इससे अच्छा तरीका मुझे कुछ नहीं दिखा। तो मैंने उसके साथ पेंटिंग करनी चाहे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना शुरू कर दिया। तो इस डोली को मैंने एक बार हम दोनों ने मिलकर एक कोट व्हाइट किया, फिर उसके बाद डबल कोट करके बहुत सुंदर सा व्हाइट कलर दे दिया। फिर उसमें कलर भरने के लिए मैंने अपनी बेटियों की मदद ली, जिससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ी और मेरा काम भी बहुत अच्छा हो गया। उन थोड़ा ख़राब तो किया उन्होंने, मगर घर मोबाइल से आँख खराब होने से अच्छा है कि जो हम बना रहे हैं वो ख़राब हो, वो तो फिर सही हो जाएगा, मगर आँखें नहीं सही हो पाती हैं। मोबाइल का नशा बहुत ख़राब होता है। तो बच्चों को हम जो उनके पसंद हो वो चीज़ करने दें तो वो जरूर हो जाएंगे। और ये थोड़ी देर रहते, कुछ दिन करते करते बहुत दिन हो जाएगा, उन्हें मोबाइल की लत ही ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए मेरी बेटी और मैंने मिलकर उस डोली को कितना एक अच्छी तरीके से डेकोर कर दिया था, जो कि एक बहुत ही सुंदर डेकोर पीस बन गया था। मेरे बच्चे उस दिन पूरा दिन मोबाइल से दूर रहे, छोटी बेटी का टाइम भी पास हो गया और उसने मेरे साथ मिलकर कितना सुंदर सा एक डोली कलर कर दिया। फिर दूसरे दिन मैंने ये बॉटल का DIY करना शुरू किया। इस बॉटल को मैंने व्हाइट कलर के पेंट से पेंट कर दिया। एक दो कोट करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से व्हाइट कलर में कोट हो गया। फिर मैंने दोनों को दे दिया कि तुम इसमें जैसा मन करे वैसा कलर भर दो। तो ये दोनों अपने कंपटीशन के चक्कर में एक बहुत ही अच्छे अच्छे कलर को बना के, जिसे एक्रेलिक पेंट को व्हाइट में मिलाकर बहुत सुंदर सा कलर बना के सब पेंट किया और इतना सुंदर वो बॉटल डेकोर पीस बन गया कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए कितना प्यारा ये बॉटल बनाई है। उन दोनों ने मिलकर सारी बॉटलों को खूब बढ़िया से सजा दिया, जो कि मेरे लिए एक अच्छा सा DIY भी हो गया और मेरे बच्चों को मोबाइल से धीरे धीरे लत भी छूटने लगी। और ये रहा वो स्कूटर जो मैं मेले से खरीद के लाई थी, 20 रुपए का स्कूटर था, जिसे मैंने आपसे कहा बताया था ना कि मैं इसका कुछ करने वाली हूँ। तो देखिए ये कितना सुंदर सा मेरा एक शो पीस हो गया, जो कि सजाने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। डेकोर पीस ये बिल्कुल एंटिक लग रहा था। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के